हाय हेलो नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल यू वांट यू। चलिए आज हम बनाएंगे आलू और गोभी की रोगन रोस्ट। ये बहुत ही आसानी से बनती है और बहुत ही टेस्टी भी बनती है। आज हम इसमें रोगन यूज़ करेंगे। अगर आपके पास रोगन नहीं है तो आप नॉर्मली टमाटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। रेसिपी के लिए यहाँ पर मैंने लिया है रोगन। ये रोगन मैंने चिकन करी बनाते समय निकाला था। आप अगर इसकी रेसिपी चाहते हैं तो मेरे चैनल में आप चिकन करी जो बनाया था मैंने उसको आप चेक कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे लिया है एक छोटे साइज़ का गोभी। इसको मैंने 5 मिनट तक हॉट वाटर और सॉल्ट में भिगो के रखा था ताकि इसके सारे इम्प्यूरिटीज़ और पेस्टिसाइड निकल जाए। और मैंने आलू लिया है यहाँ पे 6 से 7 छोटे आलू। अगर आपके पास छोटे नहीं है तो आप बड़े भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे लिया है मैंने 2 टमाटर। ये ऑप्शनल है क्योंकि मेरे पास रोगन है, चेक करेंगे रेसिपी में बाद में। और यहाँ पे लिया है मैंने एक बड़े साइज़ के ऑनियन। इसको मैंने फाइनली चॉप करके रख लिया है। अभी हम एक पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल ले लेंगे। जैसे ऑयल गर्म हो गया आप इसमें 1 टीस्पून जीरा डाल लीजिएगा। और जीरा जैसे ही चटक लिया है आप इसमें डालेंगे हींग। हींग 1/4 थोड़ा सा डाल लीजिएगा हींग, इससे बहुत ही अच्छी फ्लेवर आती है। और इसमें हम ऐड करेंगे अपने कटे हुए पोटैटो को। आलू और गोभी को आप छोटे साइज़ में काट लीजिएगा ताकि ये जल्दी पके। 2 मिनट रोस्ट होने के बाद आप इसमें डालेंगे अपने गोभी को। इसी में हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून सॉल्ट और इसको हम अच्छे से रोस्ट करेंगे कम से कम 10 मिनट तक। इसको ढक के पकाएंगे ताकि अंदर से जल्दी पक जाए। बीच बीच में चलाते रहेगा और इसको रोस्ट करते रहेगा। इसको हमें जब तक रोस्ट करना है तब तक हमारा पोटैटो साइड से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। ये देखिए कम से कम 10 मिनट लगेंगे। इसको आप बीच बीच में चलाते ऐसे रोस्ट करते रहेगा। आप ओपन भी करके रोस्ट कर सकते हैं, जल्दी पक जाएगा अगर आप ढक के पकाएंगे तो। ये हमारा रोस्ट हो गया है, इसको साइड में कर लेंगे। अब हम उसी पैन में अपना रोगन को डाल लेंगे। अभी इसको हाई फ्लेम में 1-2 मिनट तक पका लीजिएगा रोगन को। इसका जब ऑयल रिलीज हो जाएगा इसमें हम डालेंगे अपना ऑनियन को। ऑनियन को हमें मीडियम फ्लेम में अभी 5 मिनट तक पकाना है। ये देखिए अच्छे से भून लीजिएगा ऑनियन को। कुछ मसाला ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी रोगन में सारे मसाले हैं। और इसमें हम ऐड करेंगे अपना आलू और गोभी को और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको रोस्ट करेंगे और 5 से 10 मिनट तक, जब तक ये अच्छे से पके ना। क्योंकि हमने 80% तो उसमें पका लिया था, रोस्ट कर लिया था, जो भी बचा है अब इसमें हम रोस्ट कर लेंगे। इसको लो फ्लेम में ढक के पकाएगा 5 मिनट तक और इसको हम एक बार चेक कर लेंगे। ये देखिए ऑलमोस्ट रेडी है, एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर आपके आलू अच्छे से पक गए मतलब ठीक है। ये देखिए बाहर से क्रिस्पी है और अंदर से सॉफ्ट होनी चाहिए। ये अभी तक पकी नहीं है और 2-4 मिनट पका लेंगे तो ये रेडी हो जाएगी। ये देखिए अभी अपनी आलू और गोभी की सब्ज़ी रेडी है। बस इसको आप लास्ट में धनिया या अपना मेथी के लीव्स डाल लीजिए। मेथी से बहुत ही अच्छी फ्लेवर आती है। आलू और मेथी हमेशा बहुत ही अच्छी कॉम्बिनेशन होती है। मेथी का इस्तेमाल कीजिएगा अगर आपके पास है तो। बस इतना ही था। रेसिपी बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी भी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप। अगर आपके पास रोगन नहीं है तो आप टमाटर का प्यूरे भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें नहीं यूज़ किया है, बस मुझे ड्राई सब्ज़ी चाहिए थी और एकदम परफेक्ट आ गई है और टेस्ट भी एकदम बढ़िया थी। आप ज़रूर रेसिपी की ट्राई कीजिएगा। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपकी वीडियो पसंद आएगी तो मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बस यही था आज के लिए। अंटिल देन मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।